कि बहुत जल्द उनकी माँ अपने बेटे से मिलेगी और मुझे अच्छा लगा कि मेरी बात सत्य हुई। रोने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगा कि एक माँ जो अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रही थी, और मैं समझ सकती हूँ कि किसी का बेटा, किसी का भाई या किसी की बहन के साथ अन्याय होता है, तो उसके परिवार की क्या बीतती है। बेटा से मिल रही है जो माँ अपने बेटे से बिना बात किए हुए सोती नहीं थी, वो माँ बेटे से मिल रही है, तो क्या फल होगी, क्या खुशी होगी। और वो उसके चेहरे की स्माइल बता रही है कि मैं टूटा नहीं हूँ, मैं बहुत जल्द आऊंगा। देखिए, जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसे विरोधी हैं जो उनका अहित चाह रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा शबक मिली है कल। क्योंकि देखिए, जब ऊपर वाले की लाठी में जब न्याय होती है ना, तो नीचे वाले कुछ नहीं कर पाते हैं। तो सनब बिहार मनीष कश्यप न्याय के साथ थे, इसीलिए भगवान और हम सभी उनके साथ खड़े हैं। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हमारे साथ प्रियंका झा समाजसेवी मौजूद है, और हम अभी पटना सिविल कोर्ट के बाहर हैं, जिसके अंदर मनीष कश्यप की पेशी हो चुकी है। अब सबकी निगाह इस चीज पर टिकी हुई है कि पता नहीं क्या परिणाम आएगा, राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी कोर्ट से। प्रियंका जी अभी तुरंत जो है वो मनीष कश्यप से मिलकर आई है, उनको मौका मिला कि मिलकर आए, और अंदर जाते ही इनकी आंखों में आंसू थे, और शायद मनीष कश्यप के भी आंखों में आंसू थे। बिल्कुल ये नहीं, आप पहले मैंने भरोसा रखी, मैंने जो उन्हें देखा ना, तो मैं बिल्कुल टूट गई। बट मुझे अच्छा इस बात का लगा कि मैं टूट गई, बट उनकी एक चेहरे की स्माइल जो थी ना, बहुत ताकत दे रही थी कि आप लोग टूटे नहीं, क्योंकि आप ही लोग हमारी ताकत है। और मैं जो मिली हूँ ना, उनमें कहीं भी सिकन तक नहीं लगा, क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि मरीज कश्यप मदुरई जेल में टूट जाएंगे, वो पत्रकारिता नहीं करेंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ी सबक है उनके चेहरे की स्माइल। देखिए, बहुत बड़ी तमाचा है कि देखिए कि मनीष कश्यप टूटा नहीं है, वो दुगुना एनर्जी के साथ और उसी ताकत के साथ वो फिर खड़ा है, और वो उसके चेहरे की स्माइल बता रही है कि मैं टूटा नहीं हूँ, मैं बहुत जल्द आऊंगा, फिर से वही सनब बिहार रिटर्न 2 बन के दिखाऊंगा उन तमाम लोगों के लिए जो लोग उनको कहते थे कि अरे इनको तो अब कभी जेल से भी छूटने का मौका नहीं मिलेगा। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी ये शीक है उनके चेहरे की स्माइल। आप देखे होंगे जिस तरीके से उनको ट्रेन से उतारा गया था, स्वागत उनका भव्य स्वागत हुआ, फूलों से स्वागत हुई, और ऊपर से भगवान भी अपनी हल्की हल्की कुएं से उनका स्वागत किया, बिहार में वेलकम किया है बिहार के बेटा का। वो बिल्कुल नहीं टूटे हैं, उनके साथ पूरा देश का प्यार, तमाम लोगों के आशीर्वाद है, वो बहुत ही जल्द हम लोगों के बीच आने वाले हैं। और जिस तरीके से कल बेटिया कोर्ट की फैसला आई है, बहुत राहत भरी है, पूरे देश को राहत मिली है। कहा गया है कि उनको बेतिया के जेल में रखा जाएगा। बिल्कुल, कहा गया है कि बेतिया जेल में ही रखा जाए 14 दिन तक के लिए, बिहार में भी अभी उनको रखा। जाहिर सी बात है, अरेस्टिंग वारंट इशू हुई बेतिया कोर्ट से, कुर्की जब्ती जो इशू हुई बेतिया कोर्ट से, तो कैदी तो बेतिया कोर्ट की हुई ना, अरेस्ट वारंट इशू है तो अभी तो कैदी उनके हुए, तो तमिलनाडु जाने की बात कहां से आ गई। तो वहां की जो फैसला आई है बहुत राहत भरी है, लेकिन अभी जो पटना सिविल कोर्ट में हम लोग पहुंचे हैं, हमें न्याय की उम्मीद है, बट यहाँ सरकार से उम्मीद नहीं है। सच ने तो कह दिया कि उनको बेटिया जेल में रखना है, लेकिन जब जेल अधीक्षक के पास मनीष कश्यप पहुंचते हैं पटना में, देखिए यहाँ पे भी साजिश है। जब जज का फैसला आ गया कि बेतिया के कोर्ट में ही वहीं पे उनको रखा जाएगा, वहीं जेल में, बेतिया जेल में रखा जाएगा, फिर उनको पटना बिहार जेल में क्यों शिफ्ट किया गया, फिर कहा गया शिफ्ट भी किया गया, तो उनको अंदर बहुत भी मतलब मेहनत के बाद उनको अंदर रखा गया। मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए कि साजिश कहाँ कहाँ से शुरू हो रही है। जब जज का फैसला आ गया तो फिर पटना बिहार जेल क्यों शिफ्ट किया गया, और उन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए वहां पे भी उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। अगर उनको कुछ हो जाता तो इसका जिम्मा कौन उठाता, उनकी सुरक्षा की भी तो बात थी ना। आपको नहीं लगता कि उनसे खतरा है लोगों को, जो लोग यहाँ पे मौजूद है? देखिए, जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसे विरोधी है जो उनका अहित चाह रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा शबक मिली है कल। क्योंकि देखिए, जब ऊपर वाले की लाठी में जब न्याय होती है ना, तो नीचे वाले कुछ नहीं कर पाते हैं।
तो सनब बिहार मनीष कश्यप न्याय के साथ थे, इसीलिए भगवान और हम सभी उनके साथ खड़े हैं। सारे लोगों का दुआ और आशीर्वाद है, अभी तक फैसला का इंतजार कर रहे हैं कि आ जाए, और उम्मीद है कि सनब बिहार मनीष कश्यप बिहार में ही रहेंगे। पांच बार जब उनको डेट पड़ा तो तमिलनाडु के प्रशासन, तमिलनाडु की जो सरकार है या पुलिस है, उसकी तरफ से कहा गया कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है। बिहार की तरफ से भी कहा गया कि हमारे पास उतना प्रशासन नहीं है कि उनको लाया जाए। अरे भाई, आखिर वो क्या गुनाह किया जो आपको इतना सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत पड़ रही है? क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो क्रिमिनल थे? क्या वो रेपिस्टर थे? क्या आपको कोई वहाँ पे बहुत बड़ा परमाणु बम मिला? आखिर क्या मिला जो आप उनको बोल रहे थे बिहार लाएंगे तो तमाम सुरक्षा हमारे पास उतना नहीं है? आखिर क्यों? तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिशें हैं उन लोगों की, जिन लोगों की मकसद को लेकर के तमिलनाडु मदुरई जेल में बंद कर दिया गया था, उन लोगों की साजिश के कारण सनब बिहार मनीष कश्यप को बिहार नहीं लाया जा रहा था। लेकिन न्यायालय पे सभी लोगों की उम्मीद है, जब न्यायालय न्याय करती है तो सरकार को भी झुका देती है, तो इसीलिए आज हम लोगों को सिविल कोर्ट पे भी, न्यायालय पे बहुत भरोसा है, उम्मीद है कि हम सभी के पक्ष में ही आएंगे। हमारे साथ बातचीत करते हुए आपने कहा था कि जल्दी ही जो है वो माँ अपने बेटे से मिलेगी, शायद आपकी दुआ भी पूरी हो गई। कल ही एक फोटो वायरल हुआ है जिसमें मनीष कश्यप की माँ उनके बगल में बैठी हैं, उनका हाथ पकड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल करने वाली चीज थी। प्रियंका जी हिम्मत रखिए ताकि आपको देख के लोग भी हिम्मत रखें। मैं बोली थी कि बहुत जल्द उनकी माँ अपने बेटे से मिलेगी, और मुझे अच्छा लगा कि मेरी बात सत्य हुई। फोटो आपके सामने आई, आपको कैसा महसूस हुआ? रोने की जरूरत नहीं है आपको? अच्छा लगा कि एक माँ जो अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रही थी, और मैं समझ सकती हूँ कि किसी का बेटा, किसी का भाई या किसी की बहन के साथ अन्याय होता है तो उसके परिवार में क्या बीतती है। और वो माँ मनीष कश्यप कहते थे कि अगर मैं अपनी माँ से ना पूरे दिन पूरी रात मिला करके अगर एक बार भी अगर 10 बजे रात में बात ना कर लूँ तो मेरी माँ चैन की नींद नहीं लेती, वो सोती नहीं है, पूरी रात चलती रहती है। तो ये बात ना मुझे याद था कि वो अपनी माँ से ना रोज बात करते थे 10 बजे रात में, रोज 10 बजे रात में एक बार वो बात करते ही थे। कितना भी अगर मरीज कैसे बिजी रहते थे तो 10 बजे रात में अपनी माँ को फोन करके तब जा करके सोने के लिए जाते थे। तो वो चीजें ना मुझे याद थी जो बताए थे मनीष कश्यप जी, तो मुझे वही चीज याद आ रहा था कि आज उनकी माँ अपने बेटी ने बाद बेटा से मिल रही है, जो माँ अपने बेटे से बिना बात किए हुए सोती नहीं थी वो माँ बेटे से मिल रही है, तो क्या पल होगी, क्या खुशी होगी। भगवान भी रो दिए थे इसीलिए बारिश भी हो रही थी। यहाँ लोगों को मैसेज देना चाहिए लास्ट की, लोग जो आंखें बचा के बैठे हुए कि क्या जो है न्यायालय की तरफ से खबर आएगी? पॉजिटिव आएगी, बातचीत होगी, बिल्कुल बिहार का बेटा है, वो सिर धार है, अंदर में भी धार रहा है, वो टूटा नहीं है, वो हंस रहा है, और उसकी हंसी चेहरे की हंसी मुस्कान गया है उन लोगों की, ये तमाम चमाते हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप की चापलूसी करके पीछे बैकफुट पे कूदते थे, उनकी और उन लोगों की जो लोगों ने अरेस्ट लगाने के मदुरई जेल में बंद किया था, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है कि देखो ऊपर से भगवान बारिश कर रहे और नीचे से लोग फूल की बारिश कर रहे हैं। सीखो, ये है सच्चा पत्रकार जो पर तूने अरेस्ट लगवाने का काम किया। फिलहाल सिविल कोर्ट का फैसला का इंतजार है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोगों के हित में ही आएगी। और मनीष कश्यप सभी जो मिलके आई बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून का पल है बहुत ज्यादा। और चलिए उम्मीद ये करते हैं कि जो कोर्ट के बाहर जो खबर आएगी, जो परिणाम आएगा वो वाकई में बहुत ज्यादा पॉजिटिव आएगा, कहीं ना कहीं हमारे हित में आएगा, हित में आएगा। जुड़े रहिए हम सभी जानकारी तक के लिए, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।